लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोलती क्यों नहीं तुम लोग? अब कैसे बताऊं इन्हें? एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ सत्य का अस्तित्व है। किसे बचाऊं, माँ को या? क्यों आए हो इतने बरसों बाद मेरे पास, बोलो ना। तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती है दुष्टा। तेरे पापी हाथ इस पवित्र पुंज को छू भी नहीं सकते। रोकता है आप? देखती हो मुझे कौन रोकता है शक्तिपुंज छूने से? ये क्या हो गया है मुझे? माँ के मोह में पड़कर मैं ये भूल रहा हूँ कि मेरा निर्माण सत्य की रक्षा के लिए हुआ है। सत्य से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, माँ भी नहीं। जीवन चक्र मुझे लेना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, क्या करूं मैं, क्या करूं? क्या हुआ बेटा, आज तुम किसी बड़ी दुविधा में लग रहे हो, क्या हुआ? नहीं, छूना मत मुझे, मुझे मत छूना। Thank you.
क्या बात है, किसी दुविधा में हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो। कितना सही कह रही है ये, सचमुच निर्णय नहीं ले पा रहा हूं मैं। ये क्या हो गया है आज मुझे, क्या हो गया है शक्तिमान को? क्या मां के मोह ने मुझे इतना कमजोर बना दिया है कि मैं एक निर्णय भी नहीं ले पा रहा हूं? मगर निर्णय तो मुझे लेना ही होगा, आठवां चक्र तो मुझे प्राप्त करना ही होगा। किस सोच में हो बेटा, अपनी दुविधा मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी दुविधा दूर कर सकूं। दुविधा का अंत तो मुझे करना ही होगा, सत्य की रक्षा के लिए, पृथ्वी पर जीवन को वापस लाने के लिए मुझे अपनी मां का बलिदान तो देना ही होगा, देना ही होगा। क्षमा करना मां, कर दिखाया, बार फिर शक्तिमान ने कर दिखाया, आज फिर किलविश के कुचक्र को विफल कर उसने समस्त पृथ्वी और समस्त मानव जाति को बचा लिया। एक बार फिर अग्नि परीक्षा से तपकर कुंदन बन के निकला है वो, कर दिखाया शक्तिमान ने, एक बार फिर कर दिखाया। माता की सेवा का सौभाग्य तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। परंतु कब, कहां, इतना तो बताइए कि इस समय मेरी माता कहां है। यदि यही बताना होता तो क्या दिव्य मणि तुम्हें नहीं बता देती वत्स? क्या इसका मतलब ये कि आप लोग जानबूझकर मुझे मेरी माता का पता नहीं बता रहे? हाँ वत्स। परंतु क्यों? भूलो मत वत्स कि तुम शक्तिमान हो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और शक्तिमान को तो बारंबार परीक्षाएं देनी ही पड़ती हैं,
निकट भविष्य में तुम्हें अत्यंत कठिन परीक्षा देनी है वत्स। इस परीक्षा में सफल होने के उपरांत ही तुम्हारा मिलन माता से हो पाएगा। परीक्षा परीक्षा परीक्षा, आखिर और कितनी परीक्षाएं देनी होगी मुझे? तुम शक्तिमान बने रहोगे वत्स। परीक्षाएं तो सदैव तुम्हारे सामने आती रहेंगी वत्स। जब तक तुम परीक्षाओं में सफल होते रहोगे तभी तक तुम शक्तिमान बने रह पाओगे वत्स। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने की दशा में तुम एक सामान्य जन साधारण बन जाओगे सदा सर्वदा के लिए। इस बात को कभी भूलना नहीं वत्स। और मैं परीक्षा में सफल रहा। परीक्षा? कैसी परीक्षा? जीवन की परीक्षा। जीवन में परीक्षाएं तो आती जाती रहती हैं। आपने भी तो अपने जीवन में कई परीक्षाएं दी हैं। किसी पराए बच्चे के लिए अपने पति को खो देना, फिर उस पराए बच्चे को अपने सगे बच्चे से बढ़कर पालना, और फिर उस बच्चे का आपसे दूर चले जाना, और फिर कई सालों इस कुटिया में अकेले रहना। आपने भी तो कई परीक्षाएं दी हैं। लेकिन तुम कैसे जानते हो ये सब कुछ? तुम लोगों ने तो केवल एक ही बार मेरे बेटे गंगाधर को किलविश के हाथों मरने से बचाया था। फिर मेरे जीवन की सारी कहानी कैसे जानते हो तुम? कैसे जानता हूं ये तो नहीं बताऊंगा, पर इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आपका वो बेटा गंगाधर जो आपसे बिछड़ गया था वो आपको मिलने वाला है। क्या? मेरा गंगाधर कहां है वो? धैर्य रखिए, मैं आपको पास ले जाऊंगा। अच्छा शक्तिमान, मैं चलता हूं। रुको द्विज, जल्दी क्या है? हाँ द्विज, अभी तो तुमसे बहुत सारी बात करनी है। नहीं देवी जी, मुझे वापस जाना होगा। सारे जीवन चक्र निकलकर अपने अपने काल में लौट गए, अब मुझे भी अपने काल में लौटना होगा। मुझे भी अपने परिजनों की बहुत याद आ रही है शक्तिमान। हाँ द्विज, अपने परिजनों से अलग रहने का दुख क्या होता है मैं भी जानता हूं। अच्छा तुम जाओ। अच्छा शक्तिमान, चलता हूं। बाय द्विज। ये कौन था और कहां गया? इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए मैं आपको आपके बेटे के पास ले चलता हूं। सच? सचमुच तुम मुझे मिलवाओगे उससे? अब तो काफी बड़ा हो गया होगा वो। कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, आखिर है तो आपका बेटा गंगाधर ही ना। चलिए चलते हैं। ये हम लोग कहां आ गए? ये पंडित गंगाधर ये मेरे बेटे का घर है। तो चल अंदर। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मैं खोलता हूँ। मेरे बेटे का घर। लेकिन वो कहाँ है? मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं मां, पर मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। बताओ ना, कहाँ है मेरा गंगाधर? यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा।
मैं चलता हूँ। जब तक गंगाधर नहीं आता तब तक गीता आपके साथ रहेगी। अब हाँ। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम भी रुक जाओ ना। क्या बात है? मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी तुमसे मिले। मैं उसे बताऊंगी कि कैसे उसके बचपन में तुमने उसकी जान बचाई थी। तेरी बात जानता है क्या? हाँ, कैसे जानता है वो? अब हमने ही बताया था उसे। मतलब तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है गंगाधर से? हाँ, हम साथ साथ एक ही ऑफिस में काम करते। कह रही हो तुम लोग दिव्य हो, दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री, फिर भी तुम ऑफिस में काम करते हो? हाँ, दरअसल मैं एक प्रेस रिपोर्टर थी। उसी प्रेस में आपका बेटा गंगाधर मेरे साथ प्रेस फोटोग्राफर था। हम दोनों साथ मिलकर शक्तिमान की न्यूज लाया करते थे। अब बाद में वो अखबार बंद हो गया, इन लोगों का काम छूट गया। शक्तिमान की कॉमिक्स निकाल रही हूँ। और आपका बेटा आजकल कॉलेज में पढ़ा रहा है। और मजे की बात तो ये है कि आपके बेटे गंगाधर और शक्तिमान के साथ मेरी मुलाकात एक ही दिन हुई थी। तुम लोग क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कि तुम मुझे शुरू से सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से बता सकते हो? ठीक है, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। 5 साल पहले की बात है, सितंबर का महीना था जब शक्तिमान पहली बार इस शहर में आया था। अपने आपको पुलिस के हवाले कर दो। अरे कौन है ये? मेरा सुपर हीरो। Hey, कौन है तू? न तो मैं कोई अवतार हूँ न कोई फरिश्ता, बुराई का दुश्मन हूँ, सच से है मेरा रिश्ता। दुश्मन मेरी बुराई है, बुरे इंसान नहीं। मानोगे बात मेरी तो कोई नुकसान नहीं, और भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर। तुम पर तो गोली का असर नहीं हुआ, पर बच्चे की खोपड़ी मेरे हाथ में है, क्या समझा? बचाओ, 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 छोड़ दो मुझे, बचाओ। बचाओ, छोड़ दो मुझे। अरे शक्तिमान, छोड़ दो मुझे। नीचे नीचे, बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ। निकल ले, भाग ले।
Come see.